हाई एवरी वन, माई नेम इज़ अंजलि। वेलकम और वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड दिस इज़ द सेवेंथ पार्ट ऑफ द सीरीज एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी अ इन्फॉर्मेटिव वन। एंड ये वीडियो में आज मैं आपको इस प्लांट के बारे में बताऊँगी, एंड ये है प्रेयर प्लांट। इसकी बहुत सारी वैराइटीज़ आती है, जिनमें से मैंने आपको तीन वैराइटीज़ फ़ोटो के माध्यम में से दिखा दिया है। इसका साइंटिफिक नेम है मैरेंटा ल्यूकिनेरिया। इसकी फैमिली है मैरेंटीसी, एंड ये प्लांट है नेटिव ब्राज़ीलियन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का। तो आप देख सकते हैं इसके जो लीव्स है वो कितनी ज़्यादा सुंदर है। इसके जो लीव्स के पैटर्न है वो एकदम डिफरेंट होते हैं, देखिए। एंड इसको मैंने एक छोटे से कंटेनर में लगाया है, लेकिन इसके फिर भी इसके लीव्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं। एंड इसको मैंने लाया था जब नर्सरी से, तब ये बहुत ज़्यादा छोटा था, लेकिन ये अभी काफ़ी बड़ा हो गया है। सो इसको दूसरे प्लांट की तरह, जो इंडोर प्लांट है उसी की तरह इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखना है। एंड इनडायरेक्ट सनलाइट आपको ब्राइट से मीडियम प्रोवाइड करना है, डायरेक्ट सनलाइट आपको अवॉइड करनी है। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसीलिए इसके जो लीव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्लीन एंड बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड ग्रीन है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे रेन ड्रॉप्स हैं अभी भी लीव्स में। एंड दिस इज़ अ राइजोमेट्रस पेरिनियल प्लांट। राइजोमेट्रस प्लांट मतलब इसके जो रूट होते हैं वो राइजोमेट्रस होते हैं, जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। नाइट्रोजन साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल साइकिल है, जो इन्वायरमेंट को हेल्दी रखता है। तो इनके लिए जो बेस्ट सॉइल है वो है वेल ड्रेनेज सॉइल। एंड आपको सॉइल की एक मिक्सचर बनानी है, जिसमें आपको कोकोपीट ऐड करनी है, एंड आपको जो नॉर्मल गार्डन सॉइल या फिर सैंड रिवर सैंड होती है वो आपको मिक्स करके इसके लिए सॉइल तैयार कर लेना है। आप नॉर्मल सॉइल में भी उगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको अच्छी ग्रोथ और फास्ट ग्रोथ चाहिए तो आप कोकोपीट एंड थोड़ी सी फर्टिलाइजर ज़रूर ऐड करें। फर्टिलाइज़र के बारे में बात करूँ तो आपको इसमें महीने में एक बार ऐड करनी है, एंड अगर आप चाहते हैं तो हफ्ते पे, दो हफ्ते पे एक बार भी ऐड कर सकते हैं फास्ट ग्रोथ के लिए। लेकिन जो मेरे प्रेयर प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, तो मैं इनमें अभी बिल्कुल भी कुछ ऐड करना नहीं चाहती। एंड वाटरिंग आपको तभी करनी है जब इसकी जो अपर सॉइल होती है वो सूख जाए। तो सॉइल चेकिंग के मेथड बहुत सारे होते हैं। आप फिंगर डिप करके भी आप चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे ही ऊपर से आप देख के भी आपको पता चल जाएगा कि पानी की ज़रूरत है या नहीं है। एंड ये एक और वैरायटी है जो बहुत सुंदर है। इसको मैंने 150 रुपीज़ में नर्सरी से लिया था। आप देख सकते हैं प्लांट इतना छोटा है, लेकिन इसका जो प्राइस है वो है 150। तो ये जो पेरिनियल प्लांट होते हैं, इंडो प्लांट्स होते हैं, वो काफ़ी महंगे आते हैं। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि ये मतलब कि चीप प्राइस में आएंगे, ये बहुत एक्सपेंसिव में आते हैं। ये बहुत ही सुंदर वैरायटी है। इसको मैंने प्रोपागेट किया है, इसका एक बेबी प्लांट था जिसको मैंने दूसरे गमले में लगाया है। ये देखिए यहाँ पर है, ये देखिए डायरेक्ट बारिश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज बूंदे गिरती है, तो इसीलिए ये थोड़ा मतलब कि ख़राब हो गया है। ये देखिए जब पत्ते निकलने वाले होते हैं तो इस तरह से छोटे से रोल हो गए, फर्स्ट ऐसे आ जाते हैं। एंड इसको मैंने घर के अंदर रखा है, सनलाइट की कमी के कारण से ये येलो हो गया है। तो इस तरह से जब भी आप अपने कोई भी प्लांट हो उसमें लीव्स को येलो देखिए या फिर डैमेज देखिए, तो आप उसको कट कीजिए या फिर इस तरह से तोड़ सकते हैं। तो मैं अभी सीज़र का यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सीज़र को अभी पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, ढूंढना पड़ेगा। तो मैं अपने हाथ से ही इसको तोड़ रही हूँ। कितने ज़्यादा कलरफुल है और कितने ज़्यादा ब्राइट है, आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है ये। देखिए आप जब प्लांट घर पर रखते हैं ना, तो आपका माइंड वैसे ही फ्रेश हो जाता है प्लांट की खूबसूरती देखने के बाद। एंड देखिए मैंने 2-3 दिनों से प्लांट क्लीन नहीं किया, तो ये पता नहीं क्या लग गया है, मुझे भी नहीं पता, शायद मकड़ी का जाल है। अच्छा ये देखिए 2-3 दिन पहले किया था क्लीन, लेकिन फिर भी अभी भी इतने साफ सुधरे हैं ये। ये एक और है जिसको मैंने प्रोपेगेट किया था, इसलिए ये थोड़ा छोटा है, क्योंकि एक दो हफ्ते ही पहले मैंने इसको लगाया है। एंड देखिए कितने बड़े बड़े लीव्स हैं, बहुत सुंदर है ये, बहुत सुंदर। एंड ये एक और है जिसको मैंने एकदम घर के कोने पे रख दिया था, तो सिटिंग रूम में,
जो टीवी के नीचे एक जगह खाली थी तो मैंने वहाँ पे रख दिया था इसको, तो मेरी वजह से ये ऐसा हो गया है। तो जब भी आपका प्लांट ऐसा येलो हो जाए या फिर मरना स्टार्ट हो जाए तो आप उसको धूप में रख दीजिए, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एंड थोड़ा सा फर्टिलाइज़र और पानी थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, बस ये पहले के जैसे हो जाएगा। देखिए कितना येलो हो गया, ये सब मेरे कारण से हुआ है। एंड इसको हम लोग प्रेयर प्लांट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास एबिलिटी होती है प्रेयर। इसका मतलब ये नहीं कि ये हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़ा हो जाएगा हमारी तरह। एबिलिटी टू प्रे मतलब एक इनका जो होता है एक अपना रिस्पॉन्स होता है लाइट की तरफ। तो जब बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट होती है तो इसके जो लीव्स होते हैं वो काफ़ी स्प्रेड हो जाते हैं एंड काफ़ी बड़े हो जाते हैं। एंड जब जैसे ही लाइट जाने लगती है, जैसे शाम हो जाती है, तो ये इसकी जो लीव्स है वो क्लोज हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग मी। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ गया तो आप इसको शेयर ज़रूर करें।